जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आज हम प्रश्नावली 2 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, उपयुक्त चिन्हों छोटे संख्या बड़ी संख्या तथा बराबर को रिक्त स्थान में भरिए। अब रिक्त स्थान हमारे पास में कितनी है, 2 दे रखी है रिक्त स्थान। एक प्रश्न में 2 रिक्त स्थान हमारे पास है। संख्याएं कितनी दे रखी है, 3 संख्याएं हमें दे रखी है। अब इन 3 संख्याओं में से कौन सी संख्या किससे छोटी बड़ी है और कौन सी संख्याएं बराबर है, वो चिन्ह हमें खाली जगह के अंदर भरने हैं। तो आइए, पहला हमारा प्रश्न है 400 खाली जगह 398 खाली जगह 389। ठीक है, 400 खाली जगह 398 खाली जगह 389। तो बताओ इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 400 की तरफ कौन सा चिन्ह लग जाएगा, ये वाला चिन्ह लगेगा, क्योंकि 400 398 से बड़ा है। तो ये बड़ी की तरफ मुंह खुला रहेगा और छोटी संख्या की तरफ ये बंद रहेगा। अब 398 और 389 में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये बड़ी है, ये छोटी है संख्या, तो ये चिन्ह लगा लिया हमने। ठीक है, अब 400 बड़ी है 398 से, तो ये खुला मुँह इधर 400 की तरफ हो गया। ठीक है, और 398 389 से बड़ा है, तो ये चिन्ह इधर की साइड लग गया। जिधर बंद होता है उधर छोटी संख्या होती है, और जिधर खुला होता है तीर, दो तीर के निशान होते हैं, उधर बड़ी संख्या होती है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा 749। क्या है, 749, फिर खाली जगह है, और उसके बाद में 794, फिर खाली जगह, और 497। तो 449 494 से छोटी है संख्या, तो हम चिन्ह को इधर लगाएंगे, छोटी संख्या की तरफ बंद और बड़ी संख्या की तरफ खुला। ठीक है, फिर अगले में है इसको और इसको बराबर करना है। सबसे पहले तो ये वाली संख्या खाली जगह, इन दोनों में से हमें मिलान करना, तुलना करनी है कौन सी बड़ी छोटी है, और उसके बाद में सेकंड खाली जगह भरने के लिए बीच वाली संख्या और पीछे वाली संख्याओं को तुलना करनी है कि कौन सी छोटी बड़ी है। तो 794 और 497 में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। देखो, छोटी बड़ी के लिए सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का 7 है और इधर 4 है, तो ये बड़ा है। फिर दहाई में 9, 9, दोनों की दहाई बराबर है, और उसके बाद में सैकड़ा, हमें सैकड़ा से पता चलेगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सैकड़ा इसका बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हुई और ये छोटी हुई, तो छोटी की तरफ बंद बड़ी की तरफ खुला। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा 687 और खाली जगह 686। तो 687 और 686 में से कौन सी संख्या बड़ी, 786 में से कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 786 और 687 संख्या छोटी हो गई, तो छोटी की तरफ बंद और बड़ी की तरफ खुला। अब उसके बाद में 786 खाली जगह 867। ठीक है, दो संख्या दे रखी है, अब 786 867 से छोटी है, तो 867 की तरफ बड़े का निशान लगा देंगे, बंद है छोटी संख्या, खुला है बड़ी संख्या। फिर चौथा प्रश्न है 999 खाली जगह 989। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई इन दोनों में से, 999 और छोटी कौन सी हो गई, 989। तो ये चिन्ह लगा दिया हमने। अब 990 और 1000, कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 1000 बड़ी हो गई, तो 989 से बड़ी है 1000, तो 1000 की तरफ ये खुले मुंह वाला चिन्ह लगा लिया। फिर पांचवा प्रश्न है हमारा 545, कौन सा प्रश्न है, 545। अब 545 और 455 में से 545 संख्या बड़ी है, तो ये चिन्ह इधर लग गया। अब 455 और 455 दोनों संख्या बराबर है, तो ये लगा लिया हमने बराबर का चिन्ह। ठीक है, एक संख्या में बराबर का चिन्ह आया, बाकी सब में छोटी बड़ी संख्या का चिन्ह आया है। दूसरा प्रश्न हो गया कंप्लीट, अब आइए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न में तो सारी संख्याएं अंकों में लिखी हुई थी।